और जय हिंद साथियों, टीजीटी पीजीटी के आवेदन उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हो चुके हैं और जो बीएडधारी हैं, जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे थे, खासकर जो इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए तो खुशखबरी है, लेकिन उनके साथ मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। कौन कौन आवेदन कर सकता है, कौन सी किताबें बेहतर हैं, क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या गलतियाँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि पद कम होते जा रहे हैं, और हमें किस किताब को पढ़ना चाहिए, कौन सी में प्रैक्टिस अटल करनी चाहिए, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। और उससे भी ज़्यादा ज़्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लें, इनकी उनकी मतलब अलग अलग तरह के लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्लासेज ज्वाइन कर लूँ, मतलब तमाम तरह के बातें आपके मन में आ रही होंगी। उसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हैं, कौन कौन आवेदन कर सकता है, किस पे आवेदन करना सही है, क्या हम केवल टीजीटी की तैयारी करें या पीजीटी की तैयारी करें या दोनों करें, क्या दोनों एक है, क्या दोनों में डिफरेंस है, या दोनों अलग अलग हैं। बहुत सारे बातें आपके मन में आपके जहन में आ रही होंगी और हम आपके साथ लाइव होने का कारण ये है कि हम आपके सभी सवालों के जवाब देना चाहेंगे। और इस वीडियो को आप अपने सभी साथी मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारी। जी हाँ, टीजीटी पीजीटी दोनों के जो पाठ्यक्रम हैं अलग हैं। कुछ मान सकते हैं कि कुछ टॉपिक आपको दोनों में कॉमन मिल सकते हैं, उभयनिष्ठ मिल सकते हैं, लेकिन अगर ये कहें कि दोनों एक साथ है, तो जी नहीं, दोनों अलग अलग हैं। चाहे आप नोट्स पढ़ें, चाहे किताब पढ़ें, मैं आपको अगर आपके पास शायद इसका सिलेबस होगा, पूरा पाठ्यक्रम होगा, तो हम लोगों ने पूरा पाठ्यक्रम अपने पास रखा है, और टेलीग्राम पर भी जाएंगे तो आपको पूरा पाठ्यक्रम मिल जाएगा। सौरभ सर का जरा दीजिएगा पाठ्यक्रम, देखिए ये पीजीटी का जिसे प्रवक्ता के नाम से जानते हैं, और ये आपके सामने पूरा जो पाठ्यक्रम है वो पूरा टीजीटी का है। तो ये पूरा पाठ्यक्रम अपने पास रख लीजिएगा अपने विषय का, और एक चीज़ ये काम करिएगा कि जो दोनों के कॉमन है उसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, हाइलाइटर्स हाईलाइट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आप ये देखिएगा कि क्या क्या आपको दोनों में कॉमन है, क्या क्या नहीं, और फिर दोनों को तैयारी अलग अलग तरीके से करने का प्रयास करिएगा। अब सवाल उठता है कि सर ऑनलाइन क्लास लें या ऑफलाइन, तो सबसे पहली काम यह है कि आप अभी क्लासेस लेने से बचने का प्रयास करिएगा, क्योंकि क्लास लेकर अपने पैसे बहाने से अच्छा ये है कि सबसे पहले आप सेल्फ स्टडी करिए, क्योंकि कोई ताकत नहीं है जो आपको खुद से घोर के पिलाते। हाँ, कोचिंग से एक चीज़ें आपको होती है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, उसके लिए मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं। मैं एक एक वीडियो एक विषय बार आपको बताता चलूँगा कि किसके लिए कौन सी किताब बेहतर है, और आप चाहें तो घर बैठे ई-लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, जो अपने घर पर बैठकर आप मंगा सकते हैं, और ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ से भी आप काम कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है आपके लिए कि सर कब तक परीक्षा होगी, तो इसकी परीक्षा सितंबर अक्टूबर तक होगी। जी हाँ, अगर हम बात करें तो सितंबर अक्टूबर तक इनकी परीक्षाएं एक हफ्ते के अंतराल पर टीजीटी और पीजीटी दोनों क्रमवार होंगी। चयन प्रक्रिया भी आपको पता होगा कि टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है, मैंने एक परीक्षा के बाद आपको नौकरी मिलनी है, मतलब एक परीक्षा दीजिए और आपको नौकरी मिलनी है। दूसरी तरफ पीजीटी की बात करें, उसमें इंटरव्यू भी है। पद संख्या की बात करें तो ये माने नहीं रखता कि पद किसमें कम किसमें ज़्यादा है, क्योंकि आप एक पद के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन जब पद कम होते हैं, अभ्यर्थी ज़्यादा होते हैं, तो एक कॉमन सी बात है कि मेरिट हाई जाती है और अच्छे बच्चों का सिलेक्शन होता है। लेकिन ध्यान रहे, प्रत्येक छोटी छोटी गलती आपको रेस से बाहर कर सकती है। कारण यह है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, और बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हो सकते हैं जिनका कुछ वीक जोन हो, लेकिन उस समय प्रश्न का उत्तर देते समय उनके प्रश्न ज़्यादा सही हो सकते हैं। इसलिए इस बात का भी आपको खासा ख्याल रखना है, इस बात को खासा ध्यान रखना है आपको कि कहीं ऐसी त्रुटि आपके साथ ना हो। गलत प्रश्न को मतलब सरल प्रश्न को कम गलत करना है, कठिन प्रश्न को ज़्यादा सरल करना है। दूसरी बात यह है, जो हमें पहले से पता होता है, जो हमें आता रहता है, वो सरल लगता है। जो हमने नहीं पढ़ा है, जो हम नहीं जानते, वो हमें लगता है बहुत कठिन है, हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे पढ़ना चाहिए। ऐसे तमाम सारे सवाल आपके मन में आपके जहन उत्पन्न होते रहते हैं। अब प्रश्न उठता है फिर से कि सर किसकी तैयारी हम सबसे पहले करें, टीजीटी या पीजीटी, दोनों में क्या दोनों का फॉर्म भरना जरूरी है, क्या दोनों की तैयारी करें। सबसे पहला काम, अब दोनों विषय के अपने पाठ्यक्रम, जो दोनों विषय के पाठ्यक्रम है, इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका पाठ्यक्रम आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, जहाँ पर आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद ई लर्निंग विद दुर्गेश के फेसबुक पेज से मिल जाएगा या आयोग की वेबसाइट से मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करिएगा और अपने पास पेन कॉपी लीजिएगा और लिखिए सिलेबस को, कौन कौन से टॉपिक अभी तक आपके तैयार हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, आपके पास समय कम है, इन 3 से 4 महीनों में किन टॉपिकों को आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कवर कर पाएंगे। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर, जी हाँ, आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर। तो आप जो पिछले बीते
परीक्षाओं के पेपर हुए हैं, उनको हल कर लीजिए और हम आपके सामने हर विषयों की एक डायग्राम लेकर आएंगे कि किन किन विषय से, किन किन टॉपिकों से अभी तक ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं, किन किन टॉपिकों से कम प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको उन टॉपिकों को ज़्यादा पढ़ना है, मेहनत ज़्यादा करनी है, जिन टॉपिकों पर कम है उन पर भी मेहनत करनी है, लेकिन कोशिश ये करना है कि जिनसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं उन्हें हम ज़्यादा ज़्यादा स्कोर करें। ये सारा काम ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आपको मिलता जाएगा। अब सवाल आपके मन में आएगा, सर ये वीडियो जो हमें कहाँ से मिलेगी? मेरे द्वारा जो भी क्लास आपको उपलब्ध कराई जाएगी, ये क्लास पूरी तरह से निःशुल्क होंगी, देश हित में होंगी, राष्ट्रहित में होंगी, लेकिन अब आप तक कैसे पहुँचेंगे? तो उसके लिए आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, दुर्गेश सर सर्च करेगा ई लर्निंग विद दुर्गेश, और साथ ही साथ यूट्यूब प्ले स्टोर से आप ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप डाउनलोड करिएगा। जल्द ही आपको एप्लीकेशन के माध्यम से वीडियो लेक्चर, एप्लीकेशन के माध्यम से क्लास, नोट्स, सब कुछ घर बैठे मिल जाएगा और हम उपलब्ध कराएंगे ढेर सारे प्रैक्टिस सेशन आपके लिए, ताकि आप खुद को ये देख सके अभी आपकी रेस कितनी आगे जानी, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारा। तो इस प्रकार अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, अगर हम पूरा मास्टर प्लान बनाकर चलेंगे, तो यकीन मानिए आपको एक सीट जरूर मिलेगी। क्योंकि अगर हम ये सोचें केवल हम और आप पढ़ रहे हैं तो हमारी आपकी भूल है, पूरा प्रदेश पढ़ रहा है और सब लोग अपना बेस्ट और अपना बेहतर दे रहे हैं, और अंत में सफल वही होगा जिसकी रणनीति भी बेहतर होगी, पढ़ाई के साथ साथ मेहनत के साथ साथ जिसकी रणनीति बेहतर होगी, जिसके सपनों में उड़ान होगा वह हमेशा बेहतर होगा। मैं बार बार कहता था कि भर्ती का इंतजार मत करिए, पढ़ते रहिए, दिन बाय दिन पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, भर्ती जरूर आएगी। प्रश्न आ रहा है सर यूपी पीआरटी कब तक आएगी? तो यूपी पीआरटी सुपर टेट भी जल्द ही आपके लिए, क्योंकि अध्याचन उसका भी शुरू है, महीने दो महीने विलंब से ही, लेकिन आपके समझ जल्दी छोटी बड़ी भर्ती के रूप में सामने आएगा। इसलिए जो बीटीसी या डीएलएड है वो धैर्य रखें और अपनी तैयारियां, लेकिन जो बीएडधारी हैं वो उनके लिए सबसे प्रमुख है, उनके सामने टीजीटी पीजीटी है, जल्दी एलटी का भी अध्याचन हो जाएगा। इन तीनों को ध्यान में रखकर आप अपनी तैयारी पूरी रखिएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, तो इसकी जो मूल विज्ञप्ति उसको ध्यान से पढ़िएगा। उसके अलावा कोई दिक्कत आती है तो इस पर कमेंट करिएगा, कमेंट पे जवाब आपको मिल जाएगा, या आप इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दुर्गेश जायसवाल सर, और ई लर्निंग विद दुर्गेश भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों के जवाब देने का प्रयास करेंगे। और यदि मुझे कोई व्यक्तिगत सवाल हो, व्यक्तिगत नंबर मुझे कॉल कर सकते हैं, ऐसे मैं गेस्ट के रूप में यहाँ पे पढ़ाता हूँ ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। और फिलहाल फिर भी अगर आपके कोई प्रश्न छूट रहे हों, कम्बिनेशन कैसे बनेगा, क्या हमें रणनीति, क्योंकि देखिए रणनीति आपके पास एक बेहतर होगी, जब तक बेहतर रणनीति नहीं होगी आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। अभी भी आपके पास समय है, आप रेस के घोड़े हैं और रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में। तो आप मेहनत करिएगा, अपना बेहतर दीजिएगा, अपना बेस्ट दीजिएगा, हम सब आपके साथ हैं, मेहनत आपको करनी है। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ पढ़ेंगे या किसी भी साथ पढ़ेंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कतई नहीं। हमेशा आपकी मेहनत, आपके जुनून, आपके जज्बा, और साथ ही साथ अब इतना सब कुछ है तो नसीब भी आपका साथ होगा और आप अंतिम रूप से सफल जरूर होंगे। मेरी शुभकामना सबके साथ है। क्रमवार रूप से हम आपके लिए प्रत्येक विषयवार सिलेबस का वीडियो और उससे जुड़ी उसके लिए कौन सी किताबें पढ़नी है, क्योंकि प्रत्येक टॉपिक अलग अलग किताबों से पढ़नी होगी, हर टॉपिक आपको एक ही जगह नहीं मिल पाएगा। तो कौन सा टॉपिक किस किताब से पढ़नी है, कौन सा किताब आपके लिए बेहतर है, नोट्स पढ़ने का प्रयास करिएगा क्योंकि आप कम समय बेहतर तैयारी कर पाएंगे, और ऑनलाइन कोर्सेस से बचिएगा, उसके जगह आप प्रैक्टिस सेट यूज कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आपकी व्यक्तिगत सोच है, आप ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, किसी की भी ज्वाइन करें, किसी की नोट्स पढ़ सकते हैं। नोट्स से क्या होगा, चीज़ें आपको सेलेक्टेड एक एक जगह एक ही टॉपिक मिल जाएंगे और आपको उससे पढ़ना आसान हो जाएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है, फिर समस्या होती है, प्रीवियस ईयर पेपर डेली हल करना है आपको, प्रीवियस ईयर पेपर हल करते चलिएगा, प्रैक्टिस सेट हल करते चलिएगा, तब आपको ये पता चलेगा भी कितना स्कोर आपने किया है, कितना और करना रह गया। और अगर आपके पास एक मास्टर प्लान होगा तो आप यकीन मानिए इस बार एक सीट जरूर हासिल करेंगे। और हम और आप फिर कहते हैं, अब की बार एक सीट हमार, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिएगा, और प्ले स्टोर से ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप इंस्टॉल करिएगा। कोई समस्या आती है, सौरभ जी आपकी मदद के लिए हैं ई लर्निंग विद दुर्गेश के, और विपिन जी हैं, मुन्ना जी हैं, आप जौनपुर में भी जाके उनके साथ विजिट कर सकते हैं। अगर आप जौनपुर जनपद से हैं, कहीं से भी हैं, हमेशा आपके लिए तत्पर हैं। सभी नोट्स आपको उपलब्ध हैं, एक दो दिन के बाद आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। आप चाहे तो ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप से डाउनलोड कर लीजिए, चाहे आप प्ले टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, कहीं से भी
ठीक है, फिर से आपका थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करिएगा, नौकरी जरूर मिलेगी और इस बार तो आपको हर हार मिलेगी क्योंकि आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, अब की बार एक सीट।